कल्याण के एपीएमसी मार्केट के दुकानदार व्यापारियों से हफ्ता उगाही का सनसनीखेज मामला उजागर हुआ। बीते 12 तारीख को लक्ष्मी मार्केट भाजीपाला संगठन के सचिव रफीक तांबोली पर एक गुंडे ने चाकू से कातिलाना हमला किया गया। बुरी तरह घायल अवस्था में पहले रफीक तांबोली को रुक्मणीबाई अस्पताल में भर्ती किया गया, वहां से रामबाग के एक निजी अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है। इस जानलेवा हमले में रफीक तांबोली के गाल पर 13 टाके और सीने पर 2 टाके आए हैं। हमलावर का नाम अब्बास शेख है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि ये आपराधिक जगत के लोग लक्ष्मी मार्केट और एपीएमसी मार्केट के व्यापारी दुकानदारों से जबरन हफ्ता वसूली करते थे, जिसका विरोध रफीक तांबोली द्वारा किए जाने पर यह हमला किया गया है। फिलहाल आरोपी अब्बास को पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस घटना से कृषि उत्पन्न बाजार समिति के व्यापारियों में भय का वातावरण छाया हुआ है। जी वार्ता के लिए चंद्रकांत मोटे की रिपोर्ट। 12 तारीख को दोपहर के 12:30 बजे मैं कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समिति में मेरे कुछ दुकान के काम से गया था। उधर अब्बास इब्राहिम शेख नामक का एक गुंडा व्यक्ति जिसके ऊपर बहुत गुंडे हैं, उसने मुझे आड़े धारदार हथियारों से वार किया, जख्म किया। किधर किया? कल्याण कृषि उत्पन्न बाजार समिति के ए टाइप बिल्डिंग के। किधर आपको मारा? इधर गले के ऊपर और छाती पे। कहाँ से मारा? चाकू से वार किया। उसके बाद मैं बाजार में पुलिस स्टेशन गया, वहाँ से रुक्मणी हॉस्पिटल भर्ती हुआ। रुक्मणी हॉस्पिटल में गाल के ऊपर 13 टके और छाती पर 2 टके लगाए। उसके बाद मैं प्राइवेट दवा के लिए। आपके ऊपर क्यों हमला किया, इसका कारण क्या? वजह बार बार लोगों से हफ्ता मिलता था, किसी से 200 किसी से 500 चाकू लगा, उसका हमने विरोध किया था। वो विरोध की वजह से उसने बिजली में खुले किया।